stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk. Okay, so hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में कि गाइस इस टाइप की जो है ट्यूटोरियल वाली वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे एंड मिलियंस में लाइक आ रही है. तो मैंने सोचा कि ना आप सभी के लिए भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए. तो आज की वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ. तो गाइस आप लोग जो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बाकी मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस बताऊँगा. तो बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस वीडियो को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे VN एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है गाइस, तो आप लोग किसी भी ऐप में कर सकते हो. अगर आपके पास कोई दूसरा ऐप है तो ज़्यादा मतलब कि हार्ड प्रोसेस नहीं है, सेम ही होगा. तो आपको करना क्या है कि गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है. न्यू प्रोजेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी गाइस जितनी भी वीडियोज़ हैं, गाइस मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा. ठीक है, आपको एडिट कैसी करनी है वो गाइस आपके ऊपर है. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं जो है पहले मतलब कि 10-12 फोटोज़ यहाँ पे पहले ऐड कर लेता हूँ. तो गाइस आप लोग अपनी फोटोज़ को जितनी भी मतलब कि आप यहाँ पे एडिट करके आप मतलब एडिट करना चाहते हो इतनी फोटोज़ को आप ऐड कर लेना. आप वीडियोज़ को भी ऐड कर सकते हो, फोटोज़ को भी ऐड कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता. बस आपको ट्यूटोरियल वाली वीडियो बनानी है, तो आप लोगों को पता होगा गाइस, है ना. तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना. बाकी गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि गाइस अपनी जो भी आप वीडियो एडिट कर रहे हो और जिसका आप ट्यूटोरियल डालने वाले हो, आप उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखना. क्योंकि गाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लोगे तो गाइज बाद में आपको मैं बताता हूँ उसका क्यों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने को मैं कह रहा हूँ. तो पहले मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्यों है स्क्रीन रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे गाइज देखिए सब हमारे यहाँ पे इतनी हो चुकी है मतलब कि फटाफट आनी चाहिए चीज़ें. ठीक है, मतलब कि जो एडिटिंग में जो है मतलब अगर कोई वीडियो देखे तो वो बोर ना हो. ठीक है, तो आपको थोड़ा फटाफट आए वीडियो. अब गाइज देखिए आपको करना क्या है. अब गाइज देखिए यहाँ पे जो है मतलब कि अभी आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना जो आपकी वीडियो ये वाली जो मतलब आपने एडिट करी. ठीक है, इसको एक्सपोर्ट इसलिए कर लेनी क्योंकि हमें ट्यूटोरियल वाली जो वीडियोज़ है वो इसके ऊपर लगानी है हमें. ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम जो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वाली वीडियो को हम न्यू प्रोजेक्ट में जाकर ऐड करेंगे. ठीक है, अब गाइस देखिए हमें यहाँ पे दिखाना है इसका ट्यूटोरियल कि हमने इसको एडिट कैसे किया है. तो अब इसका ट्यूटोरियल के लिए क्या करना है आप सभी को, अब गाइस देखिए यहाँ पे हम जाएंगे ऐड वीडियो में. ऐड वीडियो में जाएंगे एंड यहाँ से जो गाइस आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया जो हम पहले एडिट कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बोला स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखना है, आपको उस वाली वीडियो को लेना है. एंड उस वाली वीडियो को जो है बिहाइंड द आगे पीछे का जो भी वेस्ट वाला पार्ट होगा उसको कट कर लेना गाइस. ठीक है, यहाँ पे मैंने कट कर लिया गाइस क्योंकि मतलब कि अगर वो सब मतलब आपको पता ही कि गाइस कैप कट ऐप में जो है और जो स्प्लिट नहीं हो पाता जल्दी से, है ना. तो आप लोगों को यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे मास्क वाला ऑप्शन में जाना है, आपको ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन लेना है. एंड उसके बाद जहाँ से आपकी वीडियो एडिट हो रही है वहाँ तक का एरिया आपको क्रॉप कर लेना है. जैसे गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से. अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे. अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये इतना हम यहाँ पे ऊपर की तरफ रख लेंगे. अब गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ. देखिए जैसे जैसे हमारी फोटो यहाँ पे चेंज हो रही है, नीचे भी हमारी जो है मतलब कि लेयर है वो भी चल रही है. तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाना है. अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको करना है ऐड वीडियो में जाना है एंड यहाँ से गाइस आपको एक PNG ऐड करना है जो कि होगा गाइस यहाँ पे VN एप्लीकेशन का. आप जिस एप्लीकेशन से एडिट कर रहे हो आपको उसका लोगो लगाना है यहाँ पे. ठीक है, तो आप मैं तो यहाँ पे VN से किया है, मैंने तो यहाँ पे VN का लगा दिया. अगर आप कैपकट का या फिर आप काइन मास्टर किसी और ऐप से करते हो तो आप उसका लोगो लगाना है यहाँ पे. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लेंथ जो है इसकी बढ़ा देता हूँ एंड जो वाटर मार्क है इसको डिलीट कर देता हूँ. अब गाइस देखिए मैं आपको हमें प्ले करके दिखाता हूँ दोबारा से. मैं इसको थोड़ा पीछे रख लेता हूँ पहले तो, है ना. अब यहाँ पे ये परफेक्ट है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं. ठीक है गाइस, अब मैं इसको प्ले करता हूँ. ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने कितना कर लिया. अब गाइस देखिए इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर ट्यूटोरियल भी लिखना. तो हमें टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ से जो है एक फॉन्ट है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इसमें, ये व्लॉग वाला. ठीक है, तो हम ये वाला रखेंगे. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो स्टार्टिंग में एडिट का ऑप्शन. तो पहले मैं इसके यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ तक होगा ये. तो एडिट पे क्लिक करेंगे एंड एडिट पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना जो भी हमारे लिखना है, जो जैसे हम ट्यूटोरियल दे रहे हैं तो हम ट्यूटोरियल लिख लेंगे. ठीक है, तो आप अगर आप चाहो तो व्लॉग भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर मैटर करता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल को लिख के यहाँ पे मैं जो है इसको इस तरीके से ऐड कर देता हूँ. तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा रख लूँगा एंड जो इसका लेंथ है मैं इसको फुल रखूँगा एकदम, मतलब मेरे को एंड तक चाहिए ये. ठीक है, अब गाइस देखिए ये हमारा ऐसा ट्यूटोरियल होगा जो कि मतलब कि इस तरीके से दिखाई देगा और जो कि बाकी काफ़ी ऑसम लग रहा है. यानी कि कोई अगर देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि उसको एडिट कैसे करना है ना. तो मतलब एक तरफ से हम उनको भी ट्यूटोरियल ही सिखा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना.